सबको फिर से बोलना चाहूँगी जय यीशु, और यीशु मसीह के नाम में आप लोग सबका उनके भवन में स्वागत है। ये जिंदा यहोवा खुदावंत का घर है, और आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए ताकि हम लोग एक साथ मिल के उसको अपनी स्तुति और आराधना के गीत प्रस्तुत कर सकें जी। और ये एकदम व्यर्थ में रहेगा अगर हम लोग इस भवन में यीशु मसीह का स्वागत ना करें। तो आइए एक जोरदार तालियों के भेंट के साथ यीशु मसीह का यहाँ स्वागत। Bye.
उसके जैसा कोई नहीं, आमेन, उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए हम उसकी जय जयकार और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहे, करते रहे, करते रहे, सिर्फ आज नहीं, सिर्फ यही नहीं, लेकिन हर पल, हर घंटा, हर दिन। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। आइए ताली बजाकर आराधना करते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
क्योंकि वो जीवित हुआ, हम आज जीवित हैं। आमेन। हम आज जीवित हैं। हम क्यों इतना शोर मचाते हैं, क्यों इतना आनंद मचाते हैं? क्योंकि जो विजय परमेश्वर ने हमारे लिए जीती है, सिर्फ उस कारण हम यहाँ हैं, सिर्फ उस कारण हम यहाँ जिंदा हैं, सिर्फ उस कारण है कि हम यहाँ उसकी आराधना कर रहे हैं। हम सिर्फ उसकी प्रेम की वजह से, उसकी दया की वजह से, उसकी करुणा की वजह से हमारी रोज की जिंदगी कटती है, सिर्फ उसकी वजह से। हमारे ऊपर अगर छत है, हमारे बदन में अगर कपड़े हैं, अगर जूते हैं, अगर नौकरी है, अगर जिंदगी है, अगर हेल्थ है, सिर्फ परमेश्वर की करुणा है, सिर्फ परमेश्वर की करुणा है, सिर्फ परमेश्वर का वो अनोखा अनोखा प्यार है। अदरवाइज पता नहीं हम लोग कहाँ होते, पता नहीं किस परिस्थिति में होते, पता नहीं किस हालत में होते, लेकिन परमेश्वर ने हर उस अंधकार से हमें निकाला, हर उस परेशानी से हमें निकाला, हर उस गड्ढे से हमें निकाला। आमेन। इसलिए हम इतना आनंद मनाते हैं, इसलिए, क्योंकि हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह ही हमारा है, वो हमारा हाथ पकड़ते पकड़ते चलता है। आमेन। कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। आइए अपने मुंह को खोलकर, अपने ध्यान को केंद्रित करके उस यीशु पर, उसके सारे अद्भुत कामों पर जो उन्होंने हमारी जिंदगी में करी, उस पर केंद्रित करके परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो परमेश्वर जिसने कभी आपको नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर जिसने कभी आपको नहीं त्यागा, जिस परमेश्वर ने आग में से लेके आपको चलाया, हर भाड़ के ऊपर से आपको लेके गया, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस परमेश्वर के नाम को, उस परमेश्वर के नाम को। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर अब्राहम के साथ था, वो परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर मूसा के साथ था, वो परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, वही परमेश्वर आपके साथ है। आपका चरवाहा, आपके संग संग चलने वाला, हर कदम पर आपको विजय ठहराने वाला आपका परमेश्वर, आपका पिता। कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं ठुकराता। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब्राहम का प्रभु इस प्रभु या कुका प्रभु तू मेरा।
Yeah.
अब्राहम का प्रभु, गाइए आप मेरे भी परमेश्वर हैं। अगर आप उनके साथ थे तो आप मेरे साथ भी हैं, अगर आप उनके संग संग चले तो आप मेरे संग संग भी चल रहे हैं, अगर आपने हर परिस्थिति में उनको अपना हाथ दिखाया तो आप मेरे परिस्थिति में आप अपना हाथ बढ़ाकर आप छुएंगे, अगर उन दिनों में आपने इतने बड़े बड़े काम किए तो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम आप आज कर रहे हैं परमेश्वर। इसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, इसके लिए हम आपकी आराधना करते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पे मंडरा रही है हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें विजय देने के लिए, हमें अपने वचन में ज़्यादा ज़्यादा दृढ़ करने के लिए। पवित्र आत्मा हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पवित्र हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आज हम खड़े हैं, ये जो सिंहासन पर विराजमान है, जो राजाओं का राजा कहलाता है, जो प्रभुओं का प्रभु कहलाता है, उस यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में और उस यहोवा परमेश्वर के चरणों पर आज के सुबह हम आए हैं, इस बात को अंगीकार करते हुए और पहचानते हुए कि उसके सिवाय कोई और है ही नहीं। यहोवा परमेश्वर के सिवाय, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कोई है ही नहीं, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। और यदि हम जानते हैं तो फिर पहचानना भी जरूरी है कि जो कुछ भी वो चाहता है वो उसे कर दिखाता है, उसे पूरा कर देता है, उसका कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है।